यूक्रेन को और हथियार देने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की सैन्य मदद करेगा ईयू की ओर से। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ईयू यूरोपियन यूनियन रूस पर अपने प्रतिबंध भी बढ़ाएगा। राजेश पवार सिरे कीव से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। हथियारों के साथ तमाम साजो सामान सब कुछ देने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। 500 मिलियन यूरो की मदद भी, की सैन्य मदद देगा। और क्या जानकारी देंगे राजेश आप? ये मदद कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी राहत लेकर आएगी यूक्रेन के लिए? देखिए, इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा जरूरत साजो सामान की है, मिलिट्री इक्विपमेंट की है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन इक्विपमेंट में है हवाई जहाज, मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अभी ये देखना है कि जो ये मदद का उन्होंने ऐलान किया है, जो मिलिट्री हेल्प वो दे रहे हैं, उसमें क्या हवाई जहाज शामिल हैं, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड जो यूक्रेन की रही है मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर, वो है हवाई जहाज, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जैसे पैट्रियट सिस्टम अभी नेटो ने पोलैंड में डिप्लॉय किए हैं। यूक्रेन की डिमांड है कि कुछ कुछ ऐसे ही पैट्रियट सिस्टम वहां डिप्लॉय किए जाएं, उन्हें एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दिए जाएं, ताकि वो अपने आसमान को दुश्मन के जहाज और मिसाइल से बचा सकें और उसको डिफेंड कर सकें। ओवर टू यू राजेश। आज 16वां दिन है। आज की स्थिति यूक्रेन की कहां पर है और रूस कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति यहां पर है, पूरब और दक्षिण में रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। जो सेना के जिस काफिले ने जपरोजिया को घेरा हुआ था 2 दिन पहले तक, वो अभी आगे बढ़ रहा है। उसका एक कॉलम कीव के दक्षिण तरफ आ रहा है और दूसरा जो कॉलम है वो निप्रो शहर की तरफ बढ़ रहा है। निप्रो शहर की महत्ता इसमें आती है कि वो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है पूरे यूक्रेन का, और कीव का दक्षिण जो अभी तक खुला था, ये दूसरा कॉलम उस तरफ आ रहा है। इसके अलावा कीव ऑलरेडी नॉर्थ में एक काफी बड़ा काफिला था 62 किलोमीटर का, और उसके नीचे जो नॉर्थ वेस्ट में जहां इरपिन में लड़ाई चल रही थी, वहां ऑलरेडी रूसी सेना मौजूद थी। अभी एक और रूसी सेना का काफिला आया है, जो आया है सुमी से, जो शहर बहुत बर्बाद हुआ था, वहां से वे लगातार अभी पहुंच गए हैं ब्रोवरी में, जो कि रूस के कीव के पूर्व में है। तो वहां भी अब रूसी टैंकों का जमावड़ा हो गया है। ये इस वक्त की मिलिट्री सिचुएशन है कीव के आसपास की और पूरे यूक्रेन की। राजेश, यहां पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैविक हथियार को लेकर भी लगातार आरोप लग रहे हैं रूस की ओर से। यूएनएससी में इस मामले पर चर्चा कराए जाने की मांग की जा रही है, ताकि यूक्रेन के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। उसका यह आरोप है कि जैविक हथियारों को तैयार करके रूस के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। इसको लेकर और किस तरह की जानकारी है आपके पास? देखिए, जैविक हथियार जो हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये जिनेवा कन्वेंशन के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंडर बैंड हैं। इनके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ है उसे प्रतिबंध है। कोई भी देश जैविक हथियार ना रख सकता है, ना बना सकता है, ना उनपे प्रयोग कर सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो अगर ऐसे कुछ लैब्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको चाइना ने भी वेरीफाई किया है, और मेरी जो मुझे पता लगा है कि इसको रूस को इसके बारे में पहले से जानकारी थी कि अमेरिका ऐसी कुछ लैब्स यूक्रेन के अंदर चला रहा है, जहां जैविक हथियारों पे प्रयोग किए जा रहे हैं और उनको और इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसके बारे में हमेशा अमेरिका और वेस्ट बहुत जोर लगा के चिल्लाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अगर वो इस प्रकार कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर रूस और चीन का ये पॉइंट कि अमेरिका और वेस्ट खुद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसमें उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है, जो मॉरल स्ट्रेंथ है, वो कम होती है। और अगर इन लैब्स के ऊपर रूस का कब्जा हो जाता है बाय चांस, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा कि जो ये जैविक हथियार उपलब्ध थे, ये प्रयोगशाला चल रही थी। और ठीक है, ये बड़ी बात राजेश आपकी ओर से बताई जा रही है।